So hey guys, this is Camille and you are watching the production YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई है काइनमास्टर के अंदर फ्लैश इफेक्ट वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, यानी कि आप अपने वीडियो पर फ्लैश इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल सिनेमेटिक स्टाइल में। तो वीडियो को आप ज़रूर से एंड तक देखना और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर पर। तो काइनमास्टर पर आने के बाद सबसे पहले हमें क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, और क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग कोई भी एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं 9:16 को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है, एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये मिलता है इमेज एसेट्स, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है, ठीक है। बाद में आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, फिलहाल आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है, ठीक है। तो आप ऐड कर लेना। उसके बाद आपको राइट साइड के कोना पर ये जो क्रॉस मिलता है, क्रॉस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे काइनमास्टर के अंदर। अभी क्या करना है, जो बैकग्राउंड आपने ऐड किया इस पर क्लिक करना है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से अपने वीडियो के हिसाब से। और उसके बाद क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, और अभी आपको अपना जो वीडियो है जिसके अंदर आप फ्लैश इफेक्ट ऐड करना चाहते हो उस वीडियो को आपको ऐड करना है। तो फोल्डर से आप वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से वीडियो ऐड कर लेता हूँ। वीडियो पर क्लिक करना है तो आपका वीडियो आ जाएगा, ऐसे आप देख सकते हो यह हमारा वीडियो आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, इस वीडियो पर हमें क्लिक करना है एंड इसको पूरी स्क्रीन पर इस तरीके से फिट कर लेना है, ठीक है। सो पूरी स्क्रीन पर हमने वीडियो को फिट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना जो वीडियो है उस पर क्लिक करना है और वीडियो के इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में जो है स्प्लिट कर लेना है। जैसे ही वीडियो पर क्लिक करेंगे कैची मिलता है, कैची पर क्लिक करना है और स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करना है। उसके बाद अगेन आपको इस तरीके से वीडियो को स्प्लिट कर लेना है, अगेन आपको अपना जो वीडियो है उसको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो अपना जो वीडियो उसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर लेंगे। तो सेम इसी तरीके से आपको अपना जो वीडियो उसको स्प्लिट कर लेना है इस तरीके से, और जो क्लिप है, जो क्लिप का साइज़ है, जो ड्यूरेशन है कुछ इतना रखना है, आप देख सकते हो। तो मैं जितना छोटा रख रहा हूँ इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, आपको जो क्लिप है छोटा क्लिप उस पर क्लिक करना है, और जिस भी क्लिप पर फ्लैश इफेक्ट अप्लाई करना है तो स्टार्टिंग है जो क्लिप इसको हम रखेंगे ऐसे नॉर्मल, उसके बाद नॉर्मल, उसका जो नेक्स्ट क्लिप मिलता है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मिलता है इन एनिमेशन, इस पर क्लिक करना है और फेड पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड आपके वीडियो पर इस टाइप का एक फ्लैश अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सबसे पहले वाला जो क्लिप है इसके अंदर व्हाइट फ्लैश को अप्लाई कर लिया। उसके बाद अगेन कर देना है डन। नेक्स्ट क्लिप पर आ जाना है, अगेन इन एनिमेशन पर क्लिक करना है, फेड पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिप पर आ जाना है, अगेन क्या करना है, इन एनिमेशन पर क्लिक करना है, फेड पर क्लिक करना है, ऊपर में कर देना है डन। उसके बाद अभी क्या करना है, जो बैकग्राउंड आपने व्हाइट कलर का ऐड किया उस पर क्लिक करना है, कैची पर क्लिक करके इसको कर लेना है स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, और ये जो मिलता है कलर वाला आइकन, आप देख सकते हो वाला जो आइकन मिलता है ये कलर वाला, इस पर क्लिक करना है और इसका जो कलर है वो आपको ब्लैक सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद कर देना डन। तो अभी हमें क्या करना है, अपनी वीडियो पर ब्लैक फ्लैश इफेक्ट अप्लाई करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन पर क्लिक करना है, फेड पर क्लिक करना है, उसका कर देना डन। नेक्स्ट क्लिप पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन पर क्लिक करना है, फेड पर क्लिक करना है, ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैश इफेक्ट अप्लाई कर लेना है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अगेन क्या करना है, आपको अपना जो वीडियो जो बैकग्राउंड उसको स्प्लिट कर लेना है कैची पर क्लिक करके, एंड बाकी जो क्लिप है इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करके अगेन हमें जो व्हाइट रख लेना है, या आप यहाँ पर कलरिंग भी रख सकते हो। तो हम रेड को रखते और अभी आपको दिखाया तो इसका चेंज करके, ओके। सो ये कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पर हम जो फेड को अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पर हम अगेन बैकग्राउंड को स्प्लिट करेंगे, इसका कलर हम वापस से व्हाइट कर लेते, तो मैंने व्हाइट कर लिया। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम जो है फेड को अप्लाई करेंगे, और इस तरीके से आपको जो है सभी क्लिप पर अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो फेड को। और अभी मैं अगर आपको वीडियो को प्ले करके दिखाऊँ, यहाँ से प्ले करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना मस्त हमारी वीडियो पर एक फ्लैश इफेक्ट अप्लाई हो चुका है, व्हाइट एंड ब्लैक, साथ में रेड भी अप्लाई किया। और ये बिल्कुल एक न्यू टेक्निक है, इस टेक्निक को फॉलो करके आप अपनी वीडियो पर फ्लैश इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो काइनमास्टर के अंदर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, काइनमास्टर के अंदर आपको इनबिल्ट ऐसा कोई भी फीचर नहीं मिलता है जिस फीचर की मदद से आप अपनी वीडियो पर फ्लैश इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यह बिल्कुल एक जुगाड़ ट्रिक है, इस ट्रिक को अप्लाई करके, या आप कह सकते हो इस टेक्निक को अप्लाई करके आप अपनी किसी भी वीडियो पर फ्लैश इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। बाद में जो मिलता है कैची, कैची पर क्लिक करके इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेना है, ओके। मैं आपको अगेन इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो
आप देख सकते हो कितना मस्त और कितना रियलिस्टिक यहाँ पर फ्लैश इफेक्ट आ चुका है। इसी तरीके से आप अपने वीडियो पर फ्लैश इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। एंड फ्लैश इफेक्ट जो होता है उसके अंदर ज़्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट यूज़ करके दिखाया है। वैसे वो ये जो मैंने रेड अप्लाई किया, रेड फ्लैश इफेक्ट या फिर जो बैकग्राउंड मैंने ऐड किया, रेड फ्लैश इफेक्ट हमें ज़्यादातर नहीं मिलता है, ठीक है। जो मिलता है वो कलरिंग होता है, उसके अंदर सभी कलर मिक्स होता है, सो स्पेसिफिकली रेड कलर नहीं होता है, लेकिन आप चाहो तो यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादातर लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट को यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो पर फ्लैश इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने आपको दिखा दिया। अभी क्या करना है, वीडियो को हमें सेव करना है। इसके लिए राइट साइड के कोने पर आपको ये जो आइकन मिलता है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप वीडियो को कौन सी रेजोल्यूशन में सेव करना चाहते हो। मैं FHD 1080p सिलेक्ट करता हूँ, और फ्रेम रेट को मैं यहाँ से जो 30 सिलेक्ट करूँगा, और सेव एज़ वीडियो मिलता है नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो सीधा आपकी गैलरी पर सेव हो जाएगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।